कभी हम ऐसा देखते हैं कि बॉलीवुड में किसी ने अपने बेटे का करियर स्टैब्लिश कर दिया तो क्या उस स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात हो रही है बात दोनों ही गलत है लीगल सेंस में हमेशा उसका मतलब होगा कि जब कभी भी किसी अथॉरिटी या किसी ऑफिस के बारे में बात करी जा रही हो तो अगर इस सेंस में समझने की कोशिश करें तो यहां पर बात जो हो रही है स्टैब्लिशमेंट की वो है कि कभी कभी कौन कौन से ऑफिस को स्थापित करेगी स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज एक्ट के अंतर्गत ताकि वो एक्साइज के रूल्स और लॉस को इंप्लीकेट कर सके सोसाइटी में इन जनरल भी अगर आप कभी किसी और बेयर एक्ट में स्टैब्लिशमेंट को पढ़ेंगे तो उसका मतलब

आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो चैप्टर नंबर टू में हमारे पास जो सेक्शन है वो भी कितने हैं दो ही है इसका मतलब कुछ बहुत ज्यादा हेक्टिक और कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे पढ़ने को सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर सेवन जो की बात करता है स्टैब्लिशमेंट एंड पावर की यानी कि वो कौन कौन सी अथॉरिटीज एक्साइज एक्ट के अंदर काम करेंगी ये सेक्शन सेवन में दिया हुआ है और उनकी पावर्स क्या होंगी ये भी सेक्शन सेवन में दिया हुआ है तो फिर सर सेक्शन सेवन ए किस काम का यानी कि अमेंडमेंट से एड हुआ था यह बात करता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड की यानी कि यहाँ पे भी एक स्टैब्लिशमेंट है और फ्लाइंग स्क्वाड की है फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है वैसे आप में से जितने भी लोग रेगुलरली कॉलेज गए और अपना सेमेस्टर एग्जाम अच्छे से दिया है उनको फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब पता होगा और अगर नहीं पता है तो हम सेवन ए में आपको समझा देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बात क्या कर रहा है सेक्शन नंबर सेवन यहाँ पे दिया हुआ है सिंप्लीफाइड तरीके से हमने इसको क्या कर दिया डी कर दिया लेकिन आपके लिए बेर भी है बात कही क्या। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन फॉर द होल और फॉर एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द स्टेट स्टेट गवर्नमेंट जो है यानी कि जो राज्य सरकार है वो एक नोटिफिकेशन निकाल के एक बात ध्यान रखिएगा इस पूरे के पूरे एक्ट में हीरो कौन है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी हीरोपंथी कैसे दिखा रही है नोटिफिकेशन निकाल के तो अब हम अगर अपनी स्लाइड पे जाएं तो यहां पे देखिए आपको लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन निकाल के या तो पूरे के पूरे स्टेट पे या स्टेट के किसी स्पेसिफाइड पार्ट पे यानी कि अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अगर चाहे तो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे या हो सकता है वो केवल बिलासपुर या रायपुर के लिए कर दे इसके बारे में बात हो रही है ठीक है है सर पहला पॉइंट हमें क्लियर है। और देखते हैं अब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के क्या क्या कर सकती है वो हमें आगे के में देखने को मिला है क्या कह रहा है सबसे पहले अपॉइंट एन ऑफिसर हियर इन आफ्टर रिफर्ड एज एन एक्साइज कमिश्नर यानी कि पहला जो सेक्शन ए है किसका नंबर का वो ये रहा है कि वो एक एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर सकती है किसी भी अधिकारी को एक्साइज कमिश्नर uh, के रूप में कर सकती है who, control, any, direct, कि वो एक किसी भी एक ऐसे अधिकारी को एक्साइज कमिश्नर बनानेगी और उसको एक्साइज कमिश्नर बनाने के बाद उसका काम क्या होगा उस अधिकारी का वो क्या करेगा एक्साइज डिपार्टमेंट को हेड करेगा यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट उस अधिकारी उस कमिश्नर के अंडर में आएगा और उसके साथ ही साथ वो जो एक्साइज रेवेन्यू है यानी कि वो रेवेन्यू तो वो टैक्सेस जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स को बेच के आपको मिल रहे हैं उस रिवेन्यू को क्या करेगा कंट्रोल करेगा अपने अंडर में तो ये हो गया पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर ए क्लियर है सर अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर बी को पढ़ते हैं अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन द कलेक्टर टू टू एक्सरसाइज ऑल ऑल और 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 एनी एनी ऑफ ऑफ द द पावर एंड परफॉर्म ड्यूटीज कंफर्ड इंपोज्ड ऑन अ कलेक्टर बाय और अंडर दिस एक्ट इधर कॉन्करेंटली विद और इन सबऑर्डिनेशन टू और इन एक्सक्लूजन ऑफ द कलेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एज द स्टेट गवर्नमेंट मे डायरेक्ट अब ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कलेक्टर को छोड़ के किसी भी अधिकारी को या किसी भी इंसान को आप क्या कर सकते हैं कोई भी पर्सन जो कि कलेक्टर ना हो उसको कलेक्टर की पावर एक्सरसाइज करने के अधिकार दे सकता है कौन स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है लेकिन वहां पे तीन शब्द है जो कि की कीवर्ड हैं है कौन से है वो की वर्थ?

इन तीनों शब्द का मतलब यह है कॉन्करेंटली शब्द के बारे में बात करी जाए तो वो पावर कैसे दे सकता है कॉन्करेंटली कॉन्करेंटली का मतलब यह है कि जो कलेक्टर है वो भी पावर को एक्सरसाइज करेगा और ये जो नया इंसान है ये भी पावर को एक्सरसाइज करेगा उसके बाद दूसरा शब्द आता है एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि जो इंसान है

की पावर को किसी और पर्सन को वेस्ट कर सकती है यह कहता है हमारा बी ठीक है सर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या बात है आगे

यानी कि क्लॉस सी में हमने क्या पढ़ा था क्लॉस सी में हमने ये पढ़ा था कि सर कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप एक्साइज ऑफिसर बना सकते हैं जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करेगा तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो जो पावर्स और ड्यूटीज हैं उस एक्साइज ऑफिसर की जो क्लॉस सी में बना था वो वो किसको दे सकता है किसी दूसरे या तीसरे पर्सन को भी दे सकता है और किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी दे सकता है एग्जाम्पल से समझते हैं अगर राज्य सरकार को लगा जरूरी तो वो क्या कर सकती है किसी सरकारी स्कूल के या किसी भी कलेक्ट्रेट में काम करने वाले अधिकारी को एक्साइज ऑफिसर की पावर दे सकती है और अगर वो चाहे तो कोई एक आम इंसान जो कि एक्साइज में क्या है थोड़ा बहुत जानकार है उसको नॉलेज है वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है तो उसको भी क्या कर सकती है एक्साइज ऑफिसर की पावर्स को ग्रांट कर सकती है उसके बाद क्या कह रहा है उसके बाद जो अगला सेक्शन है वो कह रहा है तो वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है किसको कर सकती है चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को और एक्साइज कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एक्साइज कमिश्नर को और चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को बोलेगी कि मेरी कुछ पावर्स को तुम क्या करो परफॉर्म करो लगभग सारी पावर्स दे सकती है परफॉर्म करने के लिए सिवाय एक पावर को छोड़ के जो कि

फोर्स ठीक है सर बड़ी मामूली सी बात रहा है ये कह रहा है कि जो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी है और जो एक्साइज कमिश्नर है या तो कलेक्टर यानी कि तीन अथॉरिटी चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी चीफ एक्साइज कमिश्नर उसके बाद कौन आता है कलेक्टर ये तीनों क्या कर सकते हैं किसी भी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को अब इसका मतलब क्या है पर्सन का मतलब है किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है यानी कि अगर एक्साइज कमिश्नर जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के वो मुझे कोई पावर देना चाहे तो वो क्या हो जाएगी एक पर्सन पे पावर होगी क्लास ऑफ पर्सन का मतलब क्या है क्लास ऑफ पर्सन का मतलब है एक जैसे बहुत सारे लोग उन्होंने बोला कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में काम करने वाले सभी टीचर्स को मैं अपनी पावर दे रहा हूं तो ये बात करता है सेक्शन डेलीगेशन का यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है ये जो अथॉरिटीज है ये लोग अपना पावर किसी दूसरे पर्सन को भी दे सकते

जैसे आपने देखा होगा फ्लाइंग जट मूवी का नाम था उड़ता पंजाब इन सब मूवीज से इसका कोई लेना देना नहीं लेकिन कॉन्टेक्ट समझने की कोशिश करिए फ्लाइंग स्क्वाड नाम क्यों है क्योंकि ये उड़ते हुए कहीं पे भी लैंड कर जाते हैं और पूछ के वहां पे क्या कर सकते हैं रेड मार सकते हैं पूछ के मेरा मतलब ये है कि बिना पूछे वहां पे जाके रेड मार सकते हैं फ्लाइंग स्क्वाड का क्या कॉन्टेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर जो आबकारी अधिकारी है या जो और अधिकारी है

दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यानी कि यहां से लेके डेफिनेशन का एक पार्ट है और यहां से डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है क्या कहने की कोशिश कर रहा है सबसे पहले जैसा मैंने बताया था हर जगह पे आपको ये कॉमनली प्रैक्टिसेबल मिलेगा क्या है सर ये स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है नोटिफिकेशन से डिक्लेयर करना है किस बारे में कि फ्लाइंग स्क्वाड का स्टैब्लिशमेंट हो यानी कि फ्लाइंग स्क्वाड की स्थापना करी जाए करनी पड़ेगी जरूरी है ठीक है सर

तो छत्तीसगढ़ में काम कर पाए तो आपने क्या किया उठा फ्लाइंग स्क्वाड को बिलासपुर के लिए अलग बनाई रायपुर के लिए अलग बनाई बस्तर के लिए अलग बनाई रायगढ़ के लिए अलग बना दी ये थोड़ा सा कॉन्टेक्ट हो सकता है ठीक है सर आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास क्या आता है अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर सेवन ए का सब क्लास टू और सब क्लास थ्री बड़े मामूली सी बात है अ फ्लाइंग स्क्वाड अंडर सब सेक्शन कंसिस्ट ऑफ एक्साइज एक्साइज ऑफिसर्स ऑफिसर्स यानी कि सबसे पहले बात हो गई की एंड अदर पर्सन एज द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट देयर टू यानी कि ये क्या कह रहा है फ्लाइंग स्क्वाड में कौन हो सकते हैं सबसे पहला होगा एक्साइज ऑफिसर्स का होना बहुत जरूरी है और अदर पर्सन जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट सही समझे उसको क्या कर सकती है अपॉइंट कर सकती है और ये कब होगा टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट होता रहेगा यानी इसका कोई फिक्स टेनवर नहीं फिक्स किया है कि भाई फ्लाइंग स्क्वाड में जिन

का मौका दिया जाएगा तो ये हमारा सेक्शन सेवन और सेवन ए था आई होप आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कहाँ पे दो सेक्शन का बहुत ही आसान था देखने में बहुत बड़ा था तो बच्चे डर जाते हैं लेकिन होता ये बहुत आसान है अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ जो कि डिस्कस करता है किसके बारे में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट आयात निर्यात और परिवहन अब मैं यहां चैप्टर थ्री को शुरू करने से पहले आपके दो सेकंड लूंगा मतलब दो सेकंड से ज्यादा ही लूंगा course, जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के बीच के फर्क का जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने जब बच्चों से डिस्कस किया तो बच्चों को इस मामले में थोड़ा कंफ्यूजन था इंपोर्ट का मतलब होता है कि मान लेते हैं मेरा नाम है छत्तीसगढ़ और मैं अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो क्या माना जाएगा कि अगर मैंने आपसे मान लेते हैं आप है मध्य प्रदेश तो जब मैंने मध्य प्रदेश से शराब छत्तीसगढ़ में मंगाई तो उसका मतलब मैंने किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है एक्सपोर्ट का मतलब है कि जब मैंने आपको शराब दी इसका मतलब छत्तीसगढ़ से जब शराब निकल के कहां गई आपके पास मध्य प्रदेश में गई तो हम उसको मानेंगे एक्सपोर्ट और अब अगला जो सबसे कंफ्यूजिंग टर्म आता है वो आता है ट्रांसपोर्ट जिसमें बच्चे आधे तर, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि जब कभी भी मान लीजिए मध्य प्रदेश से शराब जा रही है बंगाल और बीच में पड़ता है छत्तीसगढ़ तो जब छत्तीसगढ़ से वो शराब निकल रही है तो वहां पर क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी कि यहां पर मैंने शराब नहीं मंगाई थी लेकिन मेरे टेरिटरी से वो शराब निकल के जा रही है तो वो ट्रांसपोर्टेशन माना जाएगा वो ट्रांसपोर्ट के अंडर में आता है तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस है आयात निर्यात और परिवर्तन अब हम इसको सेक्शन को पढ़ना फटाफट शुरू करते हैं ठीक है सर अब इसमें हमारे पास सेक्शंस कितने हैं सेक्शन है लेकिन बहुत छोटे हैं तुरंत खत्म हो जाएंगे सेक्शन नंबर टेन इलेवन कि क्या क्या है हमारे पास यहां पढ़ने के लिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर की 8 थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है लेकिन है लेकिन बहुत आसान चलिए जरा देखने और समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन नंबर बात करता है पावर टू प्रोहिबिट प्रोहिबिपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि एक ऐसी पावर के बारे में बात कर रहा है जिसमें आप किसी भी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा सकते हैं चलिए देखते हैं द स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन जैसा हमने बोला था स्टेट गवर्नमेंट क्या है यहाँ पे माई बाप है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे नोटिफिकेशन

प्रोहिबिट कर सकता है पूरे स्टेट में या स्पेसिफाइड एरिया में इसका मतलब क्या है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को अगर जरूरी लगा तो उसने क्या कह दिया कि भाई रायपुर में कोई भी शराब ना आएगी ना जाएगी अगर उसको सही लगा तो या तो वो पूरे स्टेट में कह सकती है कि पूरे छत्तीसगढ़ में भाई ये ब्रांड की शराब नहीं आएगी या उसने बोला कि केवल रायपुर में ये ब्रांड की शराब नहीं आएगी क्योंकि यहां पे इसका डुप्लीकेट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए हम रायपुर में शराब को बैन ही कर रहे हैं ऐसा चीज कर सकते हैं ठीक है किस चीज से कर सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कर सकते हैं और क्या बात है कई आगे और कहा है किसी भी इंटॉक्सिकेंट का यानी कि किसी भी चीज के लिए रोक नहीं लगा सकती इस एक्ट के अंतर्गत केवल इंटॉक्सिकेंट इंटॉक्सिकेंट क्या चीज है शराब हो गई महुआ हो गया एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा ताड़ी हो गया ये सब क्या होता है शराब होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद पॉइंट नंबर टू क्या कह रहा है प्रोहिबिट दी ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट अब क्या कह रहा है ये कि भाई

ठीक है पॉइंट नंबर सी को देख लेते हैं ये क्या कह रहा है सुटेबल प्रोविजंस यानी कि राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो ऐसे नियम बना सकती है सुटेबल प्रोविजंस बना सकती है जो किस लिए काम आएंगे इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ महुआ या अदर बेस यानी कि महुआ आप समझते होंगे महुआ की भी शराब होती है तो महुआ जैसे प्रोडक्ट्स और उसके जैसे बनने वाले और ऐसे बेसिक प्रोडक्ट जिनसे शराब बन सकती है उनको किस तरीके से स्टेट में कंट्रोल किया जाए इसके लिए सरकार क्या कर सकती है नियम बना सकती है ठीक है सर आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर एट हमारा क्लियर है अब हम बढ़ेंगे सेक्शन नंबर नाइन की तरफ सेक्शन नंबर नाइन भी बहुत है क्या कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सेक्शन नंबर बात करता है कि किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट यानी कि आना

तब तक एक एक्सेप्शन लगा दिया है एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन देखिए पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा पॉइंट नंबर ए आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी टू विच इट मे बी लाइबल फॉर अंडर दिस एक्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड फॉर सच पेमेंट एंड ऑन कंप्लायंस विद सच कंडीशन एज स्टेट गवर्नमेंट में इंपोज मामूली सी बात कह दी इतना बड़ा हाइप बनाया और एकदम छोटी सी बात कहकर के के निकल गए क्या कह रहे हैं तब तक नहीं कर सकते आप जब तक कि आपने पेमेंट ना कर दिया हो इस एक्ट के अंतर्गत तो ये कौन से पेमेंट की बात कर रहा है ये टैक्सेस के बारे में बात कर रहा है अगर आपको लेके गुजरना था छत्तीसगढ़ स्टेट कोई टैक्स आपका बनता था तो आपने वो टैक्स दिया कि नहीं अगर आपको कोई सेल करना था अगर आपको वहां से अपने आ, जो गोडाउन है वहां से आपको लोड करा के वेयर हाउस से भेज के आपको किसी दूसरे स्टेट में भेजना था तो उस वेयर हाउस का लाइसेंस अभी तक बनाए कि नहीं बनाए उसके लाइसेंस में जो पैसा आपको पे करना था वो किया कि नहीं किया ये सारी चीजों को कंप्लाई करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं किसी भी को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट कर पाए

जब तक कि ये दो कंडीशन फुलफिल ना हो गई हो क्या कह रहा है भाई अगर आपने पेमेंट कर दिया हो पेमेंट किस चीज का किया हो जो भी आपको बॉन्ड वॉन्ड एग्जीक्यूट करने का पेमेंट था या आपको जो टैक्सेस देने थे उसका या आपने जो है कंप्लाई कर दिया हो उन कंडीशन को जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई थी अगर आपने इन दोनों कामों को कर दिया जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रूल बना रखा है तो आपको अलग से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाकर लेने की क्या जरूरत है आप सीधे काम करेंगे लेकिन अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को कंप्लाई नहीं करना है तो आपको सेंशन लेना पड़ेगा यही इसका कॉन्टेक्स्ट है आगे बढ़ जाते हैं सर स्विफ्टली मूविंग ऑन उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर टेन सेक्शन नंबर टेन किसके बारे में बात कर रहा है यहां पे पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट फॉर पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि सेक्शन नंबर टेन बात कर रहा है एक शब्द के बारे में जिसका नाम है क्या

आपको राज्य सरकार ने अलाउ कर रखा है अब अगर राज्य सरकार ने बोल रखा है कि पांच लीटर से ज्यादा की शराब आप नहीं ले जा सकते लेकिन पांच लीटर तक की शराब आप लेके जा सकते हैं तब तो कोई रोक नहीं है लेकिन उस लिमिट से ज्यादा अगर आप शराब लेके जा रहे हैं तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की पास की और पास का जिक्र कहां पे हुआ है सेक्शन नंबर 11 में हुआ है जो कि हम आगे अभी पढ़ लेंगे तो ये बात आप समझ के चलिए ठीक है सर अब उसके बाद क्या कह रहा है यह चीज कौन करेगा स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी क्या करेगी आपके लिए एक नोटिफिकेशन निकाल के वो ये रूल्स बनाएगी और उसके साथ ही साथ क्या बोला है जनरली और स्पेसिफाइड एरिया यानी कि वो हो सकता है जनरली पूरे स्टेट के लिए ऐसा नियम बना दे कि भाई बिना पास के यहां पे शराब नहीं आएगी या हो सकता है किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए बोल दिए मोस्टली ट्राइबल एरियाज में ऐसे नियम बनाए जाते हैं ठीक है सेक्शन नंबर टेन भी हमें क्लियर है अब हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर इलेवन की तरफ सेक्शन नंबर इलेवन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है पासिस के बारे में जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि पासिस का ड्रामा है क्या चलिए डर ड्रामा समझते हैं पासिस फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट फॉर इंटॉक्सिकेंट मे बी ग्रांटेड बाई द कलेक्टर अब यहाँ पे एक शब्द आके फंसा मे बी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि सर कंपलसरी नहीं है कि हर बार कलेक्टर ही देगा लेकिन यहां पे कॉन्टेक्ट क्या है act का कि सेक्शन इलेवन uh, का सब क्लॉज वन जो है वो यह बता रहा है कि passes जो है कलेक्टर ही देता है अब उसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है प्रोवाइजो को पढ़ने की कोशिश करते हैं प्रोवाइजो कह रहा है कि सर पास फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट

क्या करेंगे आप मम्मी से पूछेंगे और चले जाएंगे यानी कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आप मम्मी से पूछेंगे और घर से बाहर चले जाएंगे लेकिन एक दिन पापा ने क्या किया पापा हमारे बड़े अधिकारी एक्साइज कमिश्नर तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा है

आप के लिए लिखी तो केवल ताड़ी क्या कर सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है या फिर केवल बियर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है तीसरा क्या हो सकता है स्पेसिफाइड एरिया के लिए हो सकता है कि भाई आपको जो पास दिया गया है वो केवल इसलिए दिया गया है कि आप पास को क्या करेंगे यूज करेंगे केवल बस्तर रीजन में उसके बाहर आपका पास एप्लीकेबल नहीं रहेगा इस तरह के बारीक की बात

और एक कलेक्टर के पास है और हम दोनों कहां पे हैं छत्तीसगढ़ में हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर एक्साइज कमिश्नर को सही लगा और अगर जरूरत पड़ी आमतौर पर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना काम होता नहीं है तो वो क्या अलाउ कर रहे हैं आपको वो ये अलाउ कर रहे हैं कि किसी और स्टेट के किसी अथॉरिटी ने अगर कोई पास ग्रांट किया तो हम अपने स्टेट में भी उसको वैध मानेंगे

यानी कि एक्साइज कमिश्नर के पास ये पावर है कि कुछ कंडीशंस को इंपोज करने के बाद वो किसी दूसरी अथॉरिटी के द्वारा दिए गए पास को भी अपने स्टेट में लागू कर सकते हैं या उसको वैध मान सकते हैं तो यही था हमारा सेक्शन नंबर जो कि बहुत ही आसान था छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का हमारा जो ये दो चैप्टर थे ये तुरंत खत्म हो गया इतना आसानी से अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको अभी भी कोई बहुत ज्यादा मेजर डाउट आ चुका है या कोई और टॉपिक पे आप कुछ बात करना चाहते हैं आप चाहते हैं वीडियो बने तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मिलते एक नई वीडियो के साथ सीजी के, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप हार्ड थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर के पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको को.